बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जय। भगवान वाल्मीकि गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज मैंने आप सभी के सामने देखिए अपने बहुत ही खूबसूरत सूरत गुलदाउदी के प्लांट्स शेयर किए हैं, और मैंने यह सारे प्लांट्स इसलिए आपके सामने शेयर किए हैं देखिए कि मेरे यह गुलदाउदी के प्लांट्स आप देख सकते हैं सभी पॉट्स में लगे हैं और बड़े ही आराम से चल रहे हैं। और मेरे यह सभी गुलदाउदी के प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं। मैंने देखिए आप सभी के सामने पहले भी अपने गुलदाउदी के प्लांट्स शेयर किए थे, और यह मेरे देखिए कितने खूब खूबसूरत ही गुलदाउदी के प्लांट्स आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखिए यह सभी गुलदाउदी के प्लांट्स कटिंग से लगाए हैं, और आप मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स पर फूल भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सूरत फूल मिलेंगे मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स के। थोड़ा मैं आपको देखिए पास से दिखाऊंगा। देखिए मेरे यह सभी प्लांट्स कटिंग से लगे हुए प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं। आप इनके बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में फूल देख सकते हैं। आपको बहुत खूबसूरत मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स पर फूल के कलर मिल जाएंगे देखने के लिए। और हम देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि बड़े ही आराम से गुलदाउदी के प्लांट्स अपने घर पर ही लगा सकते हैं। यह प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और हमारे घर को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। गुलदाउदी के प्लांट्स को देखिए बहुत ही आसानी से घर पर लगाया जा सकता है। और मैंने भी अपने देखिए इन प्लांट को कटिंग से ही लगाया है, और मेरे यह सभी प्लांट देखिए आप सभी के सामने इसका रिजल्ट है, और कटिंग से चले हुए प्लांट्स हैं। हम गुलदाउदी के देखिए अपने घर पर ज़रूर लगाएं। और गुलदाउदी के प्लांट देखिए आप इनके फूल देख सकते हैं, हमें बहुत ही आकर्षित करते हैं गुलदाउदी के फ्लावर। और इसके फ्लावर देखिए, ये मैंने सभी प्लांट्स आप सभी के सामने इसलिए शेयर किए हैं कि आप भी गुलदाउदी को ज़रूर लगाएं और अपने घर को खूबसूरत बनाएं। और मेरे देखिए सारे के सारे ही गुलदाउदी के प्लांट्स, मैंने इन प्लांट्स में देखिए किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया कोई। आप देखिए मैंने अपने इन सभी गुलदाउदी के प्लांट्स में खाद, सैंड और मिट्टी का ही उपयोग किया है। मैंने कोई भी देखिए इन प्लांट्स में फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया, और मैंने देखिए अपने इन प्लांट्स में बस खाद, सैंड और मिट्टी का ही उपयोग किया है। और फिर भी देखिए मेरे कितने खूबसूरत प्लांट्स हैं और मेरे स्वस्थ प्लांट्स हैं। आप गुलदाउदी को देखिए बहुत ज़रूर घर पर लगाएं, और आप भी अपने घर को बहुत ही सुंदर बनाएं। और यह देख भी सकते हैं आप मेरे गुलदाउदी के सभी प्लांट्स हैं और बड़े ही आराम से चल रहे हैं, और इनके आप फ्लावर देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको पास से दिखाऊंगा। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर मिलेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये देखिए आपको येलो कलर भी मिल जाएगा, वाइट कलर भी मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत कलर है येलो कलर में, देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं मेरे गुलदाउदी के। और यह देखिए मैं थोड़ा आपको पास से दिखाऊंगा। गुलदाउदी को आप बड़े ही आराम से अपने घर में देखिए, मैंने पहले ही बताया है, लगा सकते हैं। यह प्लांट्स बहुत ही आसानी से चलने वाले प्लांट्स हैं, और आपको इन प्लांट्स को ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होगी। बस आप देखिए इनको कटिंग से एक बार अपने घर पर लगा दीजिए, और यह आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर ज़रूर देंगे। और देखिए आप इनकी केयर की तरफ इतना ध्यान मत दीजिए, यह बड़े ही आराम से चलने वाले प्लांट्स हैं। आप इन प्लांट्स में देखिए मिट्टी, सैंड और खाद का ही उपयोग कीजिए। ये प्लांट्स आपको बहुत ही खूबसूरत सूरत देखिए फूल देने वाले प्लांट्स हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप गुलदाउदी को घर पर ज़रूर लगाएं। और यह मैं देखिए अपने सभी के सभी प्लांट्स आप सभी के सामने इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आप भी इन प्लांट्स को घर पर ज़रूर लगाएं। और आप देखिए कितने खूब खूबसूरत इनके कलर है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे
कलर में प्लांट्स हैं मेरे गुलदौदी के, और गुलदौदी को आप घर में ज़रूर लगाएं और यह बड़े ही आसानी से चल जाएंगे। और कटिंग से चलने वाले प्लांट्स हैं, मैंने पहले भी बताया है कि आप इनको बड़े ही आराम से कटिंग से लगा सकते हैं और बड़े ही आराम से आपके प्लांट्स चल जाएंगे।